हेलो जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। क्लास अटेंड करो ना, अभी जो क्लास है अभी। सर बैक स्लाइनिंग कर रहा हूँ। अरे ये क्लास जरूरी है, किसी दूसरे को तो आप आके ज्वाइन करो, फिर हम लिख देंगे क्लास। क्या करेंगे, नहीं करना है क्या क्लास? नहीं सर, करते हैं। हाँ तो ज्वाइन करो। और इसको दीपशिखा को भी कहो ज्वाइन करेगी। हाँ अरे क्लास ज्वाइन करो। करो हेलो। हाँ ज्वाइन कर लियो। हेलो। अच्छा अच्छा ठीक, हेलो। अरुण को इन्फॉर्म नहीं किए हो? ओके ठीक है, हम स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके ओके हाँ हेलो। हाँ यस हेलो। सर। हाँ तो एग्जाम का कैसा क्वेश्चन था आप लोग का? कैसा क्वेश्चन था? हेलो, क्वेश्चन कैसा था? सिंपल था, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था, ठीक या फिर इजी था? सर, एवरेज है। अरे अच्छा आवाज साफ से बताओ ना, नहीं बताने का इरादा है? नहीं मन है तो नहीं बताओ, प्रेशर नहीं है। ठीक है तो हम क्लास ही लेते हैं। ठीक है, सर। हाँ ठीक। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इम्पोटेंसिया की बात है। इम्पोटेंसिया कई प्रकार का है, तो बता दिए जेनेरोडाई और कोंडाई है। कोंडाई में क्या होता है? व्हाट हैपेन इन कोंडाई? क्या होता है बताओ? इम्पोटेंसिया कोंडाई में तीन चार चीजें होती है मुख्य रूप से। एक होता है सर लैक ऑफ लिबिडो होता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग चीज है। एक होता है इनएक्सपीरियंस, इमेच्योरिटी। ठीक है, एक होता है इनएबिलिटी टू कॉपुलेट, इनएबिलिटी टू इन फेल्योर इन इंट्रोमिशंस।
फेल्योर इन इरेक्शंस है ना, और इस तरह का होता है। और क्या होता है और बताइए क्या होता है? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, इमेजोरिटी इन एक्सपीरियंस, इनएबिलिटी और अनविलिंग टू माउंट, एंड फोर्थ वन इज इनएबिलिटी टू अचीव एट्रोमेशन एंड फेल्योर ऑफ इजैकुलेशन। ये चार प्रकार के क्लास हैं। इसी के अंतर्गत जो है एबनॉर्मलिटी ऑफ क्वाइटस, जिसको कहते हैं इम्पोटेंसिया, क्वाइटस का मतलब हो गया फिजिकल पेनिट्रेशन। ये चार कैटेगरी हैं, इमेच्योरिटी और इनएक्सपीरियंस, इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू माउंट। थर्ड है इनएबिलिटी टू अचीव इंट्रोमिशन एंड फेलियर ऑफ इजैकुलेशन, राइट। तो इन चार चीजों में क्या है, इमेच्योरिटी और इनएक्सपीरियंस, मतलब सपोज ए यंग बुल इज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर सीमिंग कलेक्शंस इन ए फार्म और इन ए बुल्स इन ए बुल फार्म और फॉर सीमेन कलेक्शन सेंटर। अगर हम इमेच्योर बुल को रखेंगे तो कई मरतबे प्रॉब्लम आ सकता है, एबनॉर्मलिटी ऑफ क्वाइटस हो सकता है ना। दूसरा इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू माउंट, मान लिया जाए लिबिडो खत्म हो गया उसका, मान लिया जाए पेन है किसमें, पैर में, फुट में है ना, और किसी प्रकार से गोनाइटिस है ना? या फिर इस तरह से मान लिया जाए किसी प्रकार का लोकोमोटर प्रॉब्लम है, तो हमारे पास जो सेकंड प्रॉब्लम है इनएबिलिटी और अनविलिंगनेस टू माउंट, ये कारण हो सकता है। जैसे देखा जाता है कि बोर जब सेक्स करता है, बोर जब माउंट करता है, तो वो अपने फोरलिंग का इस्तेमाल करता है। तो मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन फाउंड दैट अ बोर इज हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अनविलिंगनेस टू माउंट, द बोर वाज फाउंड टू हैव कार्पल लीजन एट द कार्पल जॉइंट्स। सिमिलरली इफ बुल इज और द हॉर्स इज हैविंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनविलिंगनेस टू माउंट, there has been found the lesion in the foot or the digital or you can say cloven footed animal, the lesion was found at the foot regions and sometimes at the staple joints or the hock joints, hock bone jo hock joints wahan pe milta hai kai martabe, ye problem jo hai lumbar region mein milta hai, and a back mein problem jo hai jisko hum honeycomb kehte hain, honeycomb hai na, तो इस तरह का प्रॉब्लम मिलता है हमें, तो हम उसको अनविलिंगनेस टू माउंट लोकोमोटर रीजन से भी हो सकता है, लीजन हो सकता है उसमें, तो इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से बुल और द मेल एनिमल इज अनेबल टू माउंट। हियर यू सी द सिकल सेल्स, अ हॉक लीजन अपीयर टू इंपॉर्टेंट, हॉक में लीजन भी हो जाता है और खास बात है कि ओवर स्ट्रेट हो जाता है हॉक से। हियर यू सी द how this is angle is formed, how this is straight, how this is sickling, the angle of the area of which is covering the space is more than this, so this is the problems. C is sickle cells, so this problem in happen and that's why animal is unable to mount or unable to mount, theek hai. Fir hai intromission, failure of intromission, man liya suppose a cow is in every aspect is locomotor aspect is good, but when animal is start to mount, their penis is not erected, this is the territory fell, the reason is that there may be fracture of the penis, reason may be the lesion will be or the on baseline cause will be the maybe the rupture of the penis or broken penis, or sometimes there may be leaking in corpus cavernous penis, CCP hai na, कॉर्पस कौन सा मसल होता है पेनिस में, कॉर्पस एस्पोंजियसस एंड कॉर्पस कैवर्नसस मसल। अगर सपोज इस मसल्स नहीं होते हैं, वैस्कुलर होते हैं, सॉरी दिस इज वैस्कुलर पार्ट, दिस इज वेन, सो दिस इज ब्लाइंड इंडिंग, कॉर्पस कैवर्नसस प्लस वैस्कुलर कॉर्पस कैवर्नसस पेनिस इज ए ब्लाइंड इंडिंग पार्ट, देयर इज नो एंड, if there is any in it means that if there will not be erection of the penis and the blood which is going it is leak or anyway it is not blinded, so
for the erection or for the turgidity of the pain, it must be the corpus cavernosus penis or the vascular system should be blind-ended. I mean to say blind-ending. So what happened when here you say why the failure of erection is happened? Erection is achieved by action of the ischiocavernosus muscle. A muscle is found in the region of the pelvic bone that is known as ischiocavernosus muscle, which pump the blood, which pumping the blood in the corpus cavernosus penis. And because of the CCP is essentially blinding the chamber, whose venous drainage, kya return? Returning of venous drainage. It is compressed by the arterial supply of the blood. So it is tightly and subsequently in the result, the hydrostatic pressure of the corpus cavernosus penis has been increased. And the penis is erected. The reason is that if anywhere found any leakage, that hydrostatic pressure will not develop. The hydrostatic pressure within the CCP will not develop. This is the reason. So the hydrostatic pressure is thus generated, produce the lengthening and stiffening of the penis that is characterized by erection. So you go through the Arthur book at page number 720 to 721. It has been written also to clearly make you understand the reason how failure of erection is there. तो ये होता है रप्चर ऑफ पेनिस. एक तो मसल होते हैं रिट्रैक्टर पेनिस मसल्स. मेनी अ टाइम्स इट हैज बीन फाउंड एनी रप्चर इन द पेनिस, इट वाज फाउंड दैट द रीजन एट व्हिच रिट्रैक्टर पेनिस इज इंसर्टेड और इट मे बी मोस्ट कॉमनली एट द डिस्टल पोर्शन ऑफ द सिग्मोइडल फ्रैक्चर्स, सिग्मोइडल सिग्मोइड फ्लेक्सर, और द प्रॉक्सिमल पार्ट इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ व्हेन RAM is involved, when goat is having such type problem, the proximal portion of the sigmoid flexor has been involved for rupture of the penis. At the place where retractor penis muscle is inserted. What is the function of retractive penis muscles? So ruptured penis and corkscrew penis are the most common abnormality of the genital system of the bull. Bull mein do prakar ka bahut common hota hai, corkscrew penis and rupture penis. रप्चर ऑफ द टोनिका एल्बिजुनिया, टोनिका एल्बिजुनिया में रप्चर हो जाता है. सब्सटेंशियली प्रेशर विद इन द सीसीपी राइज एब्सॉर्प्शन अबव द प्रेशर अचीव ड्यूरिंग नॉर्मल कॉपुलेशन. मेनी अ टाइम द प्रेशर इनसाइड द सीसीपी इज राइज अबव द नॉर्मल लेवल्स. इट मींस दैट देयर इज अ फ्रैक्चर्स. और समटाइम्स यू हैव नॉट सीन व्हेन बुल इज गोइंग टू माउंट एनी cow or the dumb, there is a very good thrust called a thrust word is given for that. Many a time bull is, you know, bull is very aggressive when it is mounting. It's during that time if cow is moved either left or right or given or going to forward, there is chance that the penis of the bull may strike to the starchian region of the cow. Maybe there will be a different shearing forces, and that shearing forces may be responsible for fracture of the penis. So, क्या समझ में आ रहा है हम जो बता रहे हैं? Hello. Yes, sir. हाँ. What is shearing force? Have you ever heard about the shearing force? Shearing force किसको कहते हैं? No, sir. नहीं. अभी word सुनी नहीं हो shearing? No, sir. अरे क्या बात? Shearing force. Shearing, S-H-E-A-R-I-N-G, shearing force. So this force is responsible for fracture of the penis. Here you see rupture penis also called aspiratically bore and ram. How it is ruptured is been told here. Here I am just marking you. The reason is that ye jo word hai, Stitchin's words, you go through this. Anna. Yes, sir. This is restriction. This is what I want to make understand. Oh, ye word hai. Restriction of the cow rather than into the vagina. Either penis inserted without, I mean to say that it should be inserted into vagina, but somehow
it has not been gone into the vagina, and that's why the result is fracture of the penis or bone or the uricale vagina of the penis. So, and a rupture occur most commonly either in the region of the insertion of the retractor penis muscle or the dorsal aspect of the distal sigmoid flexor, where cervicule of the CCP are relatively weak. In RAM, it is proximal part. The etiologic condition make it more common in younger than older. Or it has been found that this situation, the condition of the ruptured penis is more commonly found in the younger spools, because the spool is having the higher vigor or inexperience is responsible. In a high vigor, vigor usme jyada hota hai younger spool. So this condition is most commonly whenever asked in any question that the such type of problem will be found in younger bull or older bulls. You should give answer in the younger bulls. And immediately after the rupture, the animal may noticeably subduced or may display sign of mild discomfort, including shortness of gait. So this is the reason. If you go into the detailed study, you will see here. You see this is the what? This is the rupture of the. This picture is showing the rupture of penis. Here you see this is the sigmoid flexor. This is the retractor penis muscle. So the fracture you see here, how the fracture is rupture penis, a site of rupture is tunicale vaginae. This is the site of fractures. You see how this look like. And prepenile hematoma resulting from the rupture of CCP site goes to the insertion of retractor penis muscle. Hematoma. So this is the conditions. Here you see this is the enlargement of the base of the prepuce. This is the all the genital infection, genital affection, several affection has been found. It is given in Ribot's books, and you should go and study well. So a question can arise in the final also. तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रही हो, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में बहुत कम आ रहा है मार्क्स, क्यों बताओ? 10 में सपोज फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन में, मतलब 40 क्वेश्चन तुम बनाए, 40 में 20 क्वेश्चन बना रहे हो, 25 क्वेश्चन बना रहे हो, इतना कम क्यों? इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी, सही से पढ़ नहीं रहे हो क्या? पढ़ना तो पड़ेगा, डिटेल स्टडी तो करना पड़ेगा। यूजी में आपने किया, लेकिन पीजी में स्टडी मन से नहीं कर रहे हैं आप। इतना नंबर मल्टीपल चॉइस में कम क्यों आया? एमसीक्यू में कम आया क्यों? इवन क्विज में कम आया है क्यों? अब क्या हो, क्यों कम आया? मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर एंड यू आर नॉट स्टडिंग वेल. If you are not giving a very few numbers that come in MCQ or in a this. Here this radiograph of the penis is showing a normal and important bull. Age of normal, you see here, age of radiograph of the penis of a normal and B an important bull. Important bull here you see, this is the ruptures. You see how it is ruptures. Important bull after injection of a castor into the CCP of the near root of the penis. In the normal animal, the contrast major is contained with CCP, but in important animal, contrast major leaking into the dorsal vein of the penis. Here you see this blood is leaking from the CCP, corpus cavernosus penis muscles. This is, you see, the vascular portion is only leaking. So the animal will not any erection of the penis. The reason is that this is the rupture of the CCP muscles. CCP. So occlusion of longitudinal canal of the penis. What is longitudinal canals? During the erection, the bovine penis increases the blood pressure and produced by osteocavernous actin. The most important muscle which is responsible for erection of the penis is what muscles? Which muscle is responsible? Osteocavernosus muscles. Sometimes you have been asked, what are the muscle involved in a erection of a penis? So you should write what are the important.
अब कम टू द डेविएशन ऑफ पेन. सम टाइम देयर इज स्पाइरल डेविएशन, सम टाइम देयर इज ए इनवर्स डेविएशन, सम टाइम ऑफ रेनबो शेप. दिस ऑल आर यू सी हियर हाउ दिस इज बेंट, हाउ दिस इज स्कॉर्क. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ए इज अ कॉर्क स्क्रू पेन. You see here corkscrew pen. A is a corkscrew. How this is look like in this radiograph? What is the difference between the testicular hypoplasia and testicular degeneration? And testicular hypoplasia. Is will there any change in a libido? Whether maybe is it possible that testicular hypoplasia may have no libido or reduced libido as compared to the testicular degeneration or degenerated testis? Will it be any change in the sperm concentration or the libido when any animal is suffering from either testicular degeneration or from the testicular hypoplasia? Do you know? Hello sir. हाँ हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन आप. Hello. हाँ बताइए, हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे कि अगर कोई गाय बुल yes, sir. मान लिया जाए कि testicular degeneration हुआ उसको, ठीक है, और एक टेस्टिकुलर हाइपोप्लासिया है, लिबिडो में कोई चेंज आएगा आइदर ऑफ दिस कंडीशंस? यस सर, इसमें आएगा सर. हाइपोप्लासिया में कोई चेंज नहीं आएगा. क्या होगा सर? हाइपोप्लासिया में नहीं चेंज आएगा सर, लिबिडो में. लिबिडो में चेंज नहीं आएगा. और टेस्टिकुलर डीजेनरेशन में उसमें आ जाएगा. क्यों आएगा उसमें? दोनों में लिबिडो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टेस्टिकुलर डीजेनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजेनरेशन ऑफ दी व्हाट? जेनरेशन एपिथेलियल से, नॉट दी टेस्टोस्टेरोन कम फ्रॉम वेयर? दिस इंटरस्टिशियल से, लेटिंग से. सो इन बोथ ऑफ द कंडीशंस leading cell is not going to affect it. So libido of that animals will be similar or same. Either animal is suffering from degeneration or hypoplasia, there will not be find any change in the libido. समझ में आया? Yes sir. हाँ, libido में नहीं होगा. क्या change आएगा? Sperm concentration में change हो सकता है, या कुछ इस तरह का. Yes sir. Cell cytology में change हो सकता है. Giant's body. Medusa health, that type of picture may you see either in testicular hypothalamus hypoplasia or in testicular degeneration. More commonly in testicular hypoplasia, there will be a medusa or giant cell which you have seen in a picture. When you will put in Google, you will see the medusa head or giant cell found in CM. You will see the picture. That type of cell will be found if any of the bull. That bull should not be used for breeding purpose. That should be eliminated from the heart. Giants or ये जो है medusa head. Hello. Yes sir. आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो, अगर पूछो हम भी कुछ सीखेंगे तुमसे, कुछ डिस्कस करेंगे, तो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो आप लोग? Yes sir, ले रहे हैं. अब बताओ ये पिक्चर क्या बता रहे हैं? What is written here? ये बताओ. सर पिक्चर क्लियर नहीं है. ये पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है आपको? जो एक्सरे है, पिक्चर एक्सरे इमेज है, फिगर 30.14 सर. आधी आ रही है सर, आधी आ रही है. अच्छा, लिखा हुआ आ रहा है कुछ साफ साफ? यस सर. क्या लिखा हुआ है सर? कौन सा सर पेज में दिख रहा है? 722 का ऊपर का पैराग्राफ, सबस्टेंशियल प्रोपोर्शंस ऑफ हेमेटोमा. यस सर, 722 सर. हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ फिगर में सर? इस फिगर में लिखा है
Radiograph of the lumbar spine of aged bull. Several of the vertebrae display significant depositions of newborn. This is also responsible for inability to copulate, coitus failure. This is also responsible. If any problem in lumbar spine, there may be some possibility of rupture of the bone involved. So the condition is maybe sometime called honeymoon back. What is honeymoon? Similarly, any lesion of the trunk, matlab the lumbar region, affect ability to make. In young bull that are over jealous in their early attempts to make, the lumbodorsal fascia may rupture, producing so-called condition called honeymoon back. In this condition, pain caused by rupture of the fascia is such that the forelimb cannot be raised in preparation for mounting. Sometimes, whenever bull start to mount, they raise the condition is first is that the forelimb will erase for mounting. That so the bull, yes, when sir. It is affected with that, will not be able to raise his forelimbs. It can be diagnosed by palpation of crepitus in the lumbodorsal region of the presence of swollen muscle masses protruding through the fascia, and is more common in bull that are 15 to 21 months old. So this is important. Yes, you should study and make an image, and you all mana har line ko padho aur isko samjho, samajhna hoga khud apne aap se aapko samajhna hoga. Yes sir. Hum kitna bhi padha lenge, unless you read by yourself you cannot understand. So you, yes, sir, study. Unless you study yourself, you will not. So study bahut zaruri hai. आप लोग नहीं कर रहे हो, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं. डेप्थ में जाना है. मान लिया जाए क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना स्पर्म बनेगा. सो हर कंडीशन अलग है, एक स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म बनेगा. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. यू शुड बी अवेयर. मान लिया अब सिंपली पीजी करना है तो किसी प्रकार से तो पास कर ही जाओगे, लेकिन बात जहाँ आती है नॉलेज, yes, वहां तो मैटर करता है इसका. जब पीजी में हो तो डिग्री तो उमूमन मिल ही जाती है और पढ़ाई लिखाई हो ही जाता है, लेकिन जो नॉलेज है वो बहुत जरूरी होता है. आप लोग उसको बढ़ा ले रहे हैं, लोग पढ़ ले रहे हैं और रेडी आंसर खोजते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. हम लोग कितने किताब फॉलो करते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं बताइए. अब पीजल रोड कंडीशन बोलो तो बुक सर पीपीटी से पढ़े थे सर. अरे पीपीटी पढ़ने के लिए थोड़े है, पीपीटी से तो हमारा ऑनलाइन क्लास है समझाने के लिए ठीक है. किताब से नहीं पढ़ी जाती है, पीपीटी से कहाँ पढ़ाई होती है. पीपीटी तो एक समझाने के लिए यूज करते हैं. अब चौक खली से बता दिए उसका मतलब थोड़े ही है कि वहीं तक लिमिट है. किताब टेक्स्ट बुक वो इम्पोर्टेंट है, टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ता है. हाँ तभी तो होगा. यस सर, यस सर. टेक्स्ट बुक जब तक नहीं पढ़ेंगे कैसे होगा. क्यों टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया होता है, इसका क्या रीजन. इज इट ऑफ पैथोलॉजिकल और समथिंग एल्स, व्हाट इज द रीजन, इटियोलॉजी क्या है. इटियोलॉजी क्या है इसका. इटियोलॉजी क्या बताइए. जैसे एक कोजेनाइटर होता है सही. हाँ कोजेनाइटर है सही. कोजेनाइटर हमने पूछा कि टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया का इटियोलॉजी क्या है, whether it is pathological or something. देखो ऐसा क्या है कि टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया का जो इटियोलॉजी है ये एक क्रोमोसोम के वजह से होता है. एक रिसेसिव क्रोमोसोम होते हैं. दिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम. दिस इज हेरिडिटरी इन नेचर दैट बुल व्हिच हैविंग सच टाइप प्रॉब्लम शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ब्रीडिंग. तो एक रिसेसिव जीन होता है, उसी की वजह से ये होता है. तो इसको यूज नहीं करना था. इस जीन का क्या कहा है कि जो
प्राइमोडियल सेल्स हैं, प्राइमोडियल सेल्स वो सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता जेनिटल रीजन में, दैट्स व्हाई कंडीशन ऑफ टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया डेवलप्स। ऐसा नहीं है कि टेस्टिकुलर हाइपोप्लेसिया जो है बाद में होता है, दिस इज कंजेनाइटल, दिस में बी जेनेटिकली इन्वॉल्वमेंट। Hypoplasia, it is not a pathological, it is congenital, sometimes maybe gene is responsible. While in conclusion to that, testicular degeneration is acquired. आपको question में पूछा गया justification acquired, तो आप लोग समझे नहीं acquired किसको कहते हैं? Acquired है ना, हम मान लिया जाए कुछ तरह का activity करें जिसके वजह से हमारा sterilization हो जाए, कोई chemical मतलब long time you are in the infrared or the अल्ट्रावायलेट रेज, यू मे बिकम टेस्टिकुलर डिजेनराइज, मतलब नेल के कंडीशन में टेस्टिकुलर डिजेनरेशन हो सकता है अगर काफी समय तक अल्ट्रा यूवी रेज में रह गया तो। अगर हमारा हाथ कई मरतबे रह गया यूवी रेज में कई मरतबे बहुत देर तक, तो देयर इज पॉसिबिलिटी दैट डेवलपमेंट ऑफ ए सो कॉल्ड व्हाट कैंसर हो सकता है यूवी रेज से, अगर टेस्टिस में पड़े तो वो जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। So, radiation problem है, मान लिया जाए कोई ऐसा केमिकल है, हैवी मेटल्स आ गया, तो उसमें भी टेस्ट करें, मान लिया जाए कि आर्सेनिक पॉइजनिंग्स है, तो ये सब केमिकल प्रॉब्लम है, केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है। अब एक कंडीशन आता है पीजल रॉट, पीजल रॉट किसको कहते हैं, किसमें होता है पीजल रॉट? इज ए कंडीशन ऑफ ए प्रीप्यूस। पीजल रॉट के बारे में पढ़िए क्या होता है पीजल रॉट, क्वेश्चन पूछी जाती है। क्या करते हैं आप लोग पता नहीं, एक होता है डॉरिन डिजीज, किसके वजह से होता है डॉरिन डिजीज, नाम सुने डॉरिन डिजीज? डॉरिन डिजीज किस वजह से होता है जी सर? डॉरिन डिजीज इटियोलॉजी क्या, डॉरिन डिजीज डी ओ यू आर आई एन क्या है? हॉर्स में होता है, हॉर्स में होता है, और इसका इटियोलॉजी क्या है? इसका इटियोलॉजी तो सर नहीं पता, नहीं जानती हो? सिर्फ वर्ड नो सर। एक होता है ट्रिप्टोसोमा इक्विपोटेंस, वही इसका कारण है ना, डॉरिन डिजीज। यस इफेक्शन ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं है, जवाब सेटिस्फैक्टरी, आप लोग पीजी में है डॉरिन डिजीज नहीं जानते, बड़ा हमें दुख होता है जब इतना सिंपल हम लोग जब यूज तभी हम लोग डॉरिन भूल गए थे सर, डॉरिन डिजीज हम लोग जानते नहीं है, तब कंटिन्यू चल रहा है, नहीं कनेक्टेड हो, नहीं कनेक्टेड, यहाँ से दीप सिखा दे, क्यों नहीं हो रहा कनेक्ट? कनेक्ट तो हुआ था, अच्छा हाँ था कनेक्शन तो था, बाद में फिर डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्यों नहीं, उसमें तो हुआ था। ठीक, ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब तो क्लास समाप्त हो गई, ठीक है, यही समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़िए, नेक्स्ट टाइम आप पता करेंगे, टेस्ट लेंगे, आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे हम, ठीक है, वेरी मतलब विद इन अ वीक अ सेकंड क्लास, सो हम लोग जल्दी जल्दी कवर करें, और कुछ आप लोग पढ़िए, देखिए क्लास लगभग सिलेबस लगभग खत्म ही है, लेकिन हम इसलिए क्लास जारी कर रहे हैं जिससे कि आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं कुछ जानकारी के लिए, और क्वेश्चन आंसर रिविजन ये चलता रहना चाहिए। If you have any, yes, sir. पढ़ना है और खाना यही तो काम है विद्यार्थी का, इसमें भी आप लोग, हम चाहते हैं कि कुछ आपसे नया सीखें, लेकिन आप लोग कुछ बताते नहीं है, ठीक है, ओके, यस सर, ठीक है, बाय, ओके सर, प्रणाम सर, ओके प्रणाम प्रणाम।